आज हम बना रहे हैं सर्दियों की आटा गुड़ की बर्फी, जिसके लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया। इसको सबसे पहले मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, 5-7 मिनट ड्राई रोस्ट हो जाए। फिर इसमें बराबर मात्रा का एक घी और बराबर मात्रा का एक गुड़, जिसको मैंने कद्दूकस करके रख लिया, फिर हम उसके अंदर डालेंगे। पहले ये आटा थोड़ा ड्राई रोस्ट हो जाए, फिर घी डालेंगे। अब इसमें बराबर मात्रा का घी डाल दें और फिर अब इसको सेकेंगे। आटा बहुत अच्छे से सिक गया गुड़ घी के साथ। अब गैस को कर देंगे हम बंद और इसको नीचे उतार के इसमें ये गुड़ मिक्स करेंगे। ये हमारी शानदार सर्दियों की आटे की बर्फी बन रही है। इसको सुखड़ी भी कहते हैं, जो भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और एक तो बन भी बहुत जल्दी जाती है, झटपट बनाओ झटपट खा लो। अब ये बन गई है हमारी, मैं इसको ये ग्रीस की हुई ट्रे में जमा दूंगी। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, सर्दियों में तो खास तौर पर। अब ये थोड़ी देर में सेट हो जाएगी, फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। शानदार हमारी आटा गुड़ की बर्फी, जिसको सुखड़ी भी कहते हैं, भगवान का भोग बनकर तैयार है।